दोस्तों आगे के दोनों इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं, चाबी ऑन करके आपको दिखाते हैं। और ये चाबी ऑन है, आप देख सकते हैं। और ये इंडिकेटर का बटन है, दाहिने साइड का इंडिकेटर जलाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, दाहिने साइड का इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और चलिए बाएं साइड का इंडिकेटर जलाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, बाएं साइड का भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। चलिए आपको पीछे का इंडिकेटर दिखाते हैं, जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और ये आप देख सकते हैं, बाएं साइड का इंडिकेटर जल रहा है। और अब दाहिने साइड का जलाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, दाहिने साइड का भी जल रहा है, यानी पीछे के दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं, आगे के दोनों इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं। तो चलिए वाइजर को खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका इंडिकेटर ख़राब है या वायरिंग ख़राब है। वाइजर को मैंने खोल लिया है दोस्तों। और ये चाबी को ऑन करेंगे और बाएं साइड का इंडिकेटर जलाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, बाएं साइड का जो इंडिकेटर है ये उसी सर्किट है, हिलाने पे इंडिकेटर जल रहा है। तो इसकी सर्किट जो है इसको निकालेंगे और इस तरीके से प्लास से काट लेंगे। और ये दूसरी सर्किट है, इसको छील लेंगे वायर को इस तरीके से। और इंडिकेटर का जो वायर है इसमें जोड़ देंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद वायरिंग की जो सर्किट है इंडिकेटर की, इसमें अच्छी तरीके से लगा देंगे। और ये आप देख सकते हैं, बाएं साइड का इंडिकेटर जलने लगा। और चलिए अब दाहिने साइड का देखते हैं। ये बाएं साइड का है वायर और ये दाहिने साइड इंडिकेटर की अर्थिंग है, तो यहाँ पे कटा है वायर। तो इसमें एक दूसरा वायर लगाएंगे इस तरीके से। और ये जो साकर है यहाँ पे अर्थिंग देंगे। और ये आप देख सकते हैं, अलग अर्थिंग देने पे इंडिकेटर जल रहा है, यानी इसकी अर्थिंग जो है वो इंडिकेटर में नहीं जा रही है। तो अर्थिंग का जो वायर है इसको निकाल लेंगे और प्लास से काट देंगे और वायर को छील लेंगे। और ये दूसरी सर्किट है, इसको इस तरीके से छील लेंगे वायर को। और ये जो इंडिकेटर का अर्थिंग का वायर है इसमें जोड़ देंगे सर्किट को। और ये जो सर्किट वायरिंग में है अर्थिंग की, इसको इसमें लगा देंगे। और ये आप देख सकते हैं, दाहिने साइड का भी इंडिकेटर जलने लगा। तो दोस्तों ना ही इसका इंडिकेटर ख़राब था और ना ही वायरिंग ख़राब थी। इसकी जो आगे की सर्किट थी अर्थिंग की और एक मेन वायर इंडिकेटर का, वो ख़राब था। तो सर्किट को मैंने बदल दिया, काट के दूसरा लगा दिया और दोनों इंडिकेटर जलने लगे। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल